धन सण पैवे बंधोदय संत जुयम वो छामि थवम निसामि हूँ। गुण स्थानों में बंध विच्छेद का जो क्रम था वो बताया था। मिथ्या गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का बंध समाप्त हो जाता है। मिथ्या गुण स्थान उसका अंतिम गुण स्थान है। फिर शासन एक पढ़ो भी सर, शासन गुण स्थान में 25 प्रकृतियों का बंध समाप्त होता है, पूर्ण होता है, विच्छिन्न होता है। इस क्रम से पूरे 14 गुण स्थानों में बंद विच्छेदियां बताई थी। अब इसके आगे और कुछ बताते हैं। सव्वा सिंपैरीरम मिच्छादिट्ठी दु बंधो भणियो तिथ्यराहार दुवम मुत्तूणय शेष पैरीणम। मिथ्या दृष्टि जीव सर्वासाम प्रकृति नाम तो बंधक भणित, सभी प्रकृतियों का बंधक कहा जाता है। बस वो कौन सी सभी प्रकृतियां हैं? तीर्थेर आहार दुवम मुत्तुण शेष पैरिण, तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग। इन तीन प्रकृतियों को छोड़कर बाकी पूरी 117 कर्म प्रकृतियों का बंधक मिथ्या दृष्टि जीव होता है। सम्मत गुण निमित्तम तिथ्यरम संयमेन आहारम बज्जन्ति शेषयाओ मिच्छत्तादि ही हेयो विहि। सम्यक गुण के निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति और संयम के द्वारा आहारक प्रकृतियां बच्छन्ते बंधन को प्राप्त होती है और शेषयाओ मिच्छत्तादि ही हेयो बंधे। और शेष जो 117 प्रकृतियां हैं वो मिथ्यात्व आदि के कारण बंधती हैं। कुछ मिथ्यात्व से बनती है, 17 या 16 और 25 अनंतानुबंधी से बनती है, 10 अप्रत्याख्यानावरण से, 4 प्रत्याख्यानावरण से, 58 संज्वलन से और 1 योग से। इसके बाद 13वीं और 14वीं गाथा है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जो 16 प्रकृतियां बंध विच्छेद को प्राप्त होती है वो कौन सी है? यानी मिथ्यात्व गुण स्थान के ऊपर उनका बंध नहीं हो सकता, वो कौन सी प्रकृतियां? मिच्छिन संयम निर्याउ तहचेव निरयदुगम इग्विगलिन दियजाहि कुंडम संपत्त मायावम थावर सुमुवंचतः साहारणयंत एसोलपैडी मिच्छम्य बंधुच्छेयु। मिथ्यात्व नपुंसक वेद नरकायु और इसी तरह नरक द्विक गति और गत्यानुपूर्वी को द्विक कहा जोड़ा। फिर एक ही विगलिन दिए जाए, एक आतप प्राकृत में आया हो, संस्कृत में आतप।
आतप का अर्थ धूप है। तो एक नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होती है, फिर स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, फिर साधारण नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म। यह 16 प्रकृतियां नित्यात्व गुण स्थान में बंध विच्छेद को प्राप्त होती है। अर्थात बस जहां तक मिथ्यात्व है वहीं तक ये 16 प्रकृतियां हैं, इससे ऊपर नहीं। साधन में विच्छेद को प्राप्त होने वाली प्रकृतियों के नाम है 25 कर्म अनंतानुबंधी से बनने वाले, वो है थीण तीयम इथ्थी वियम अणतिरियाओ तहेव तिरियतुगम मज्जिम चौ संठाणम मज्जिम चौ चैव संघणे घयणम उज्जोयम अपसत्थाम विहाय गई दुभगम अणादि च दुस्सरणिच्चा गोयम शासन सम्मम विभु छिन्ना। 25 कर्म होते हैं अनंतानुबंधी से बनने वाले, उनके नाम दिए उद्योत नहीं, पहले स्त्यान वृद्धि आदि तीन, स्त्यान वृद्धि, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा, इनका बंध, ये दर्शनावरण कर्म के भेद हैं, इनका बंध अनंतानुबंधी से ही होता है। इसलिए जब से जीव सम्यक दृष्टि बनता है तब से इनका बंध बंद हो जाता है। फिर स्त्री वेद, स्त्री वेद का बंध अनंतानुबंधी कषाय से होता तो जो लोग पूछते हैं कि स्त्री वेद से, स्त्री पर्याय से कैसे छुटकारा प्राप्त करें, तो जीव कांड में एक वेद मार्गणा के अंदर गाथा है, पायण समा कहीं विषमा, कर्म भूमि में वेद प्राय करके द्रव्य और भाव समान रहते हैं, कहीं विषमा कहीं विषम भी होता है, तो वेद वैषम्य सम्यक दृष्टि में नहीं होता है। और वेद साम्य के साथ ही सम्यक दृष्टि जन्म लेता है, इसको दूसरी तरफ से मत लगाना कि जहां जहां वेद साम्य है वहां वहां सम्यक, ऐसा नहीं। जहां जहां वेद वैषम्य है वहां मिथ्यात्व है, द्रव्य वेद अलग है भाव वेद अलग है, तो वहां तो मिथ्यात्व के साथ ही उसका जन्म हुआ है, लेकिन जहां वेद साम्य है, बाहर से भी पुरुष है अंदर से भी पुरुष है, ऐसा साम्य है, तो सम्यक दृष्टि ऐसे जीवों में उत्पन्न हो सकता है, पर होगा ही ऐसा नहीं है। मैंने जो जो जीव ऐसे में उत्पन्न हुए हैं वो सारे सम्यक दृष्टि, ऐसा भी नहीं है। कई ऐसे जीव भी होते हैं जो वेद साम्य वाले होते हैं लेकिन सम्यक तो नहीं होता उनके पास। तो ये स्त्री वेद, देखो नपुंसक वेद पहले मिथ्यात्व गुण स्थान तक बनता था, उसके ऊपर नहीं, उदय नवे गुण स्थान तक है इन वेदों का, लेकिन बंद जो है वो पहले गुण स्थान तक। ये क्या है कि कभी विपाक विचय ध्यान बैठकर अपन करें तो फिर बहुत सारी बातें समझ में आती है, ये कैसा नाटक चल रहा है कर्मों। आप देखो कि अपने आपका जो भी गुणस्थान है, कल्पना कर लो कि मान लो आप व्रती है पंचम गुणस्थान, तो पंचम गुणस्थान में इस मनुष्य पर्याय में कौन से कर्मों का उदय हो सकता है, कौन से कर्मों का क्षयोपशम हो सकता है, इन सब का ध्यान करने से ये सारा जो कर्म सिद्धांत है वो भी इसमें, ये जो ज्ञान था कर्म सिद्धांत का, उसका सदुपयोग ध्यान करने में लग गया। क्योंकि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था कर्म सिद्धांत का, अब आप ध्यान में बैठ करके उस पर एकाग्र हो गए हैं। फिर तीर्थंकरों कौन से कर्मों का उदय हो सकता है, आदि आदि जितने भी हैं, अलग अलग प्रकार से ध्यान कर सकते हो। ध्यान एक बहुत विशाल जगत है, ध्यान कोई सीमित वस्तु नहीं है। जब
अपने को ये बाहर की दुनिया बहुत बड़ी लगती है। जब अपन ध्यान की दुनिया में जाते हैं तब लगता है कि बाहर की दुनिया छोटी है। वो एकदम जस्ट अंदर उल्टा खुलता है। वो ऐसे खोलो तो फिर अंदर का जगत खुलता है, ऐसे खोलो तो बाहर का। राग द्वेष दोनों जगत में हो सकते हैं, वो करने वाले पर निर्भर करते हैं। तो ये श्री वेद इसका बंध नियम से अनंतानुबंधी कषाय द्वारा हो। और इसका उदय प्राय करके उस पर्याय में होता है जहां स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। और फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पुरुष का शरीर प्राप्त हो जाए और अंदर से स्त्री वेद का उदय हो, ऐसा वेद वैषम्य हो सकता है। पर वो जीव द्रव्य से पुरुष होने पर केवली श्रुत केवली के चरण मूल में क्षायिक समय दर्शन को प्राप्त कर सकता है और उस भाव से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। वो जीव भाव श्री वेद या भाव नपुंसक वेद वाले, उसमें एक गाथा भी आई ना, 20 नवन से भैया, एक मिनट हम निकालते हैं गाथा। एक समय में जो 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं, अधिकतम एक समय में 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं, तो उनमें कितने जीव पुरुष वेद से श्रेणी पर आरूढ़ हुए हैं, कितने श्री वेद से आरूढ़ हुए हैं, कितने नपुंसक वेद से आरूढ़ हुए, उनकी एक गाथा है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टिप्पण में ये गाथा संभव है। ये गाथा है, विष्णुं से वेदा थी वेदा तय होंति चालीसम अड़दालम पुं वेदा समय गिण ते सिद्धा। बहुत सुंदर गाथा है। एक समय में 108 जीव मोक्ष जाते हैं अधिकतम, तो उनमें 20 ऐसे जीव होते हैं जो नपुंसक वेद के साथ श्रेणी पर आरूढ़ हैं, 40 ऐसे होते हैं जो श्री वेद के साथ आरूढ़ हैं, और बचे हुए जो 48 है वो पुरुष वेद के साथ आरूढ़। तो उनमें मना परे ज्ञानी, आहार कृद्धिधारी, पर्याय विशुद्धि वाले और गणधर तीर्थंकर आदि चक्रवर्ती, ये सब वेद वैषम्य में से रहित होते हैं। तो ये द्रव्य और भाव वेद से समान होने के कारण ये पुरुष वेद ही होते हैं। लेकिन जो बाकी हैं, 20 और 40 कोई छोटी संख्या नहीं है, 60 की संख्या होती है। तो पुरुष वेद से मोक्ष जाने वाले ऐसे तो वेद को पार करके जाते हैं मोक्ष, लेकिन आरोहण की अपेक्षा से वो कुछ कम है।
60 जो है वो संख्या अधिक है और 48 संख्या कम है, तो 20 नपुंसक वेदी होते हैं, स्त्री वेदी 40 होते हैं और पुरुष वेदी 48 होते हैं, एक समय में इतने जीव मोक्ष जाते हैं। ये हो सकता है कई लोगों को ये जानकारी पहले से हो, ना हो तो आज ले लो। अच्छा हाँ, एक समय में 108 जीव शपक श्रेणी पर भी आरोहण करते हैं, 108 जीव मोक्ष भी जाते हैं, ऐसा है। फिर संचय अगर देखें तो अनेक समयों में शपक श्रेणी में जो आरोहण करने वाले मुनिराज हैं उनका अगर संग्रह करें तो संख्या अधिक होती है। एक समय में प्रवेश करने वाले, अष्टम गुण स्थान में प्रवेश करने वाले 108 जीव होते, और मुक्ति में प्रवेश करने वाले भी 108 जीव होते, उससे अधिक नहीं होते। लेकिन उसमें ये नियम है कि इतने 20 नपुंसक वेदी, 40 स्त्री वेदी, 48 पुरुष वेदी होते। तो स्त्री वेद का बंध अनंतानुबंधी कषाय से प्रथम और द्वितीय गुण स्थान में, उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको त्रिवेद का बंध हो ही नहीं सकता। तो अगर अपन सम्यक्त की रक्षा कर ले तो त्रिवेद का बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो उदय भी नहीं होगा कालांतर। पहले का जो बंधा हुआ है अगर कोई अपन ऐसी त्रुटि करें कि सम्यक्त छूट जाए तो सम्यक्त छूटने के बाद स्त्री पर्याय में उत्पत्ति हो सकती, लेकिन सम्यक्त न छूटने पर कई ऐसे स्थान बताए जहां पर नहीं जा सका सम्यक के साथ। ऐसा है। और कौन सा कर्म? अण। अण यानी अनंतानुमित क्रोध मान माया और लोभ, ये चार। और तिरियाओ, तिरियंश गति की आयु का बंध अनंतानुबंधी कषाय से ही होता है और किसी से नहीं, केवल अनंतानुबंधी कषाय कर्म उसका बंद कराता है। तहेव तिरिय दुगम, इसी प्रकार तिरिय द्विक, द्विक का अर्थ होता है गति और गत्यानुपूर्वी, तिरियंश गति और तिरियंश गत्यानुपूर्वी। फिर मध्यम चौसंठाणम, मध्य के चार संस्थान, मध्य के चार संस्थान कौन से हैं? नीचे वाला मुंडक संस्थान, फिर सबसे ऊपर वाला, नहीं संगणन की बात नहीं, संस्थान की बात, समचतुरस्र संस्थान था। तो मुंड संस्थान का बंध मिथ्यात्व से होता था, अनंतानुबंधी से उसके बाद वाले जो चार संस्थान है उनका बंद होगा, और समचतुरस्र संस्थान का जो बंद है वो संजुलन से होगा। वज्र ऋषभ नाराज संगणन का बंद अप्रत्याख्यानावरण कषाय से होगा, लेकिन समचतुरस्र संस्थान का जो बंद है वो ऊपर होता है। हाँ, कथंचित दुर्लभ कहेंगे इसको, क्योंकि जगत में पाप अधिक है ना और ये पुण्य प्रकृति है। और मज्जिम चौचेव संघयणे, और बीच के चार संघनन में अनंतानुबंधी से ही बंद, असंप्राप्ता त्रिपाटी का संघनन किससे बनेगा? मिथ्यात्व से। अभी अपन ने 16 प्रकृतियां पढ़ी थी ना, उसमें मिथ्यात्व में ही असंप्राप्ता त्रिपाटी का संघनन। लेकिन उसके बाद वज्र वृषभ नाराज संघनन को छोड़कर बाकी के चार संघनन
वो वज्र नाराज संगनन हो या नाराज संगनन हो या अर्ध नाराज संगनन हो या केले का संगनन हो, सब अनंतानुबंधी से बनी। लेकिन खास बात यह है, भले ही अनंतानुबंधी से बंधे हैं लेकिन जब उन संगननों का उदय आता है तो जो वज्र नाराज और नाराज संगनन है उनके उदय में कोई निर्ग्रंथ पद को अंगीकार करके उपशमक श्रेणी पर तो जा सकते, इतनी मतलब उसमें गुंजाइश होती है, उतना अवकाश रहता है। और उद्योत नाम कर्म का आश्रव बंध भी अनंतानुबंधि से होता है, अप्रशस्त विहायो गति भी अनंतानुबंधि से होती है, दुर्भग नाम कर्म भी अनंतानुबंधि। देखो दुर्भग नाम कर्म ऐसा है कि आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो लेकिन कोई आपको पसंद ही नहीं करता। सुंदरता शुभ नाम कर्म से आई है, रमणीयत्व, लेकिन साथ में ये एक ऐसा नाम कर्म लगा है कि वो ऐसा मिसमैच हुआ है, मतलब सौंदर्य भी प्राप्त हुआ और फिर दुर्भगत्व भी प्राप्त हुआ, तो दुर्भगत्व में कोई पसंद नहीं कर रहा उसको। इसी से दुर्भाग्य शब्द बना है कि जिसको सब लोग जिससे नफरत करते हैं, सब लोग जिसको ठुकराते हैं, दुर्भग नाम कर्म, तो उससे वो संसारी प्राणी है, वो चूंकि मनुष्य पर्याय में बार बार मान का उदय आता है, अन्य कषायों का उदय जितनी बार आता है उससे अधिक बार मान कषाय का उदय आता है। चारों गतियों में ऐसा नियम है, नरकों में अधिक बार क्रोध का उदय, तिर्यंच गति में अधिक बार माया का उदय, देव गति में अधिक बार लोभ का उदय, मनुष्य गति में अधिक बार मान का उदय। तो वो मान के उदय में वो दिल पर लगा लेता उस बात को कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता ऐसा वैसा। तो उसमें परीक्षा जय में जो प्रकरण बताया है कि वो साधु उस समय क्या विचार करते जब उनका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, उनको कोई रिद्धि या फिर कोई ऐसा अतिशय उनके जीवन में प्रकट नहीं होता, तब वो आकुलित नहीं होते, अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करते। वो जानते हैं कि मेरा ये लक्ष्य नहीं था प्रसिद्धि या रिद्धि, मेरा लक्ष्य तो सिद्धि था। तो फिर अगर अभी मुझे प्रसिद्धि या रिद्धि नहीं हो रही तो मुझे विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मार्ग नियम से सिद्धि का मार्ग है, इसलिए मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना। और बस एक लक्ष्य होने से मन भटकता नहीं है, आकुलता कम हो जाती है। फिर अनादेय नाम, अनादेय में क्या होता है कि कांति का अभाव होता है, बहुत से लोगों के शरीर में चमक नहीं होती बहुत, इसमें लिखा भी हुआ है कि पंचम काल में अधिकतर लोगों की कांति नहीं रहेगी शरीर में, और छठे काल में तो रहेगी ही नहीं, पूरी रूक्ष कांति हो जाएगी। तो उसका कारण ये अनादि है नाम कर्म है। लेकिन एक नियम और बताया है कि इसका उदय चौथे गुण स्थान तक ही होता है, दुर्भग नाम कर्म का उदय भी चौथे गुण स्थान तक ही होता है। जैसे ही आप अणुव्रती बन जाएंगे तो आप में कांति आ जाएगी, और जो आप लोग आपको अस्वीकार कर रहे थे वो अस्वीकार करना बंद कर देंगे, आदेय नाम कर्म का उदय आ जाएगा और सुभग नाम कर्म का उदय आ जाएगा और यश कीर्ति का भी उदय आ जाएगा। अणुव्रत धारण करने के पहले तक अयश कीर्ति का उदय हो सकता है लेकिन धारण करने के बाद यश का उदय रहे। फिर कोई कषायवश निंदा करे, आलोचना करे, अपवाद करे तो वो उसकी चेष्टा है और अपने असाता का उदय है, अयश कीर्ति का उदय नहीं है। अगर अपन सचमुच व्रती, अपना गुणस्थान पंचम है या उसके ऊपर का गुणस्थान है और कोई बदनामी कर रहा है अपनी, तो अंततः वो बदनामी पलट जाएगी क्योंकि अपना वो कर्म उदय में नहीं है जो बदनामी को फल स्वरूप देता हो, ये उसकी कषाय है जो वो बदनाम कर रहा है। तो अंततः वो यश
की ही प्राप्ति होगी उसकी। जी, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें महाबंदियों के भी कुछ इल्जाम लगे या जेल में जाना पड़ा, तो मतलब न्यूज बना दी जाती है, और जब सब क्लियर होता है तब वो नहीं किया जाता। तो सिद्धांततः यदि उनका गुणस्थान चौथे से ऊपर है तो फिर उनको अंततः यश की ही प्राप्ति होती है। कितना भी कोई अपयश कर ले, अंत में उनके पास यश ही रहेगा उनके हाथ। और अगर चौथे से मतलब पांचवे से नीचे है गुणस्थान तो फिर अपयश का वो संयोग बन जाता है। और ये परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय इसलिए है क्योंकि गुणस्थान बदल जाएगा तो फिर कर्म बदल जाता है। ऐसे कर्म ही कुछ ऐसे कर्म है जो अपरिवर्तनीय है, जैसे संगनन नाम कर्म। संगनन नाम आप एक जीवन में नहीं बदल सकते, अगर उदय में आ गया तो। अब कोई पूछे कि हम हमारा संगनन एकदम हीन है, हम ऊपर का संगनन प्राप्त करने के लिए क्या करें, आप कोई मंत्र तंत्र कोई विधि बता दो, तो ऐसी विधि नहीं होती। और फिर दुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म का बंध भी अनंतानुबंधी के क्षय से होता है, उदय 13वें गुणस्थान तक होता है। यानी केवली भगवान में भी दुस्वर का उदय हो सकता है, उनकी आवाज सुनने में कर्कश हो सकती है। मुंडक संस्थान का बंध पहले गुणस्थान में होता है और उदय भगवान में भी हो सकता है, अरिहंत भगवान में। पूरा हुंडक संस्थान है उनका, तीर्थंकर आदिक में नहीं होगा लेकिन जो सामान्य केवली है उनमें ये संभव। क्यों नहीं, अगर नामकर्म का वैसा उदय है अलग से। इसलिए नमो अरिहंताणु को और अच्छे से समझने के लिए ये सब पढ़ना जरूरी है कि ऐसा भी उदय होता है तीर्थ। सत्व बना रहा है तो कोई बात ही नहीं, अभी तो उदय की बात है, अभी आगे आएगा ना, अभी तो बंद विच्छित्ति की बात है, वैसे आ ही चुका है पहले, पर हाँ उसमें खुलासा नहीं किया था, सामान्य कथन था। और देखिए क्या है, दुस्वर फिर नीच गोत्र, नीच गोत्र का बंध अनंतानुबंधी कषाय से ही होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दृष्टि को नीच गोत्र का बंध नहीं होता, और अगर उसको बंध नहीं होता तो नीच गोत्र के बंध के जो साधन बताए हैं, परात्म निंदा प्रशंसित सदसद गुणोत्साधनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य, दूसरों की निंदा अपनी प्रशंसा, किसी के विद्यमान गुणों को आच्छादित करना और अपने अविद्यमान गुणों को उद्भावित करना, प्रकट करना, ये नीच गोत्र के आश्रम है। तो ये जब दूसरे गुणस्थान में नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति हो चुकी है तो फिर ये जो आश्रम बताए हैं नीच गोत्र के, वो ऊपर के गुणस्थान में कैसे हो सकते। तो इससे स्पष्ट है कि जो पर निंदा करते हैं, आत्म प्रशंसा करते हैं, दूसरों के विद्यमान गुणों को छुपाते हैं और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकाशित करते हैं, वो नियमतः अनंतानुबंधी कषाय के उदय में करते। मतलब उनका गुणस्थान नीचे चल रहा है, हाँ, उनका गुणस्थान सम्यक्त वाला गुणस्थान नहीं है। ऊपर से वे कुछ भी लगते होंगे हाँ वो ठीक है, लेकिन अंदर से उनकी परिणति ऊपर के दिखावे के गुणस्थान जैसी नहीं है। की बात है। हाँ, सच्चे दुर्गुण को सच्चे कहो, सच्चे सद्गुण को सच्चाई से कहो, बिल्कुल, लेकिन सद्गुण को दुर्गुण कहना खामखा किसी को
निंदित करना, प्रताड़ित करना एक कोई सम्यक्त्व का लक्षण है। बिल्कुल। और देखो शासाधन वनस्थान का काल 6 आवली है अधिकतम। 6 आवली में मनुष्य एक वाक्य भी नहीं बोल सकता। कितना अल्पकाल होता है आवली का? इसका मतलब फिर वो तुरंत जो निंदा के वचन बोल रहे हो उसको उसके नीचे वाले गुणस्थान में आकर के ही बोलना पड़ेंगे। और इसके किसी को भी बोलते समय जानकारी या विवेक नहीं रहता। असल में इस तरह से विपाक विचय ध्यान करेंगे ना तब ये बात समझ में आएगी। आवेश विपाक में आकर अपन कुछ भी कहते हैं व्यक्ति, लेकिन मैं उस समय कैसा आश्रय कर रहा हूँ इतना भी भान नहीं होता। आप बताइए। अब देखिए उनका ये कहना रहता है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वो मुनि है ही नहीं, तो हमें मुनि निंदा का पाप कैसे लगेगा? ये उनका कथन है। निंदा से जो पाप लगता है वो तो लगेगा नहीं, मुनि निंदा का पाप नहीं लगेगा। ये कल्पना तुम अपने मन से कर लो, लेकिन जो निंदा से जो पाप लगता है नीच गोत्र और असाधा आदि प्रकृतियां, क्योंकि देखो संकलेश में ही ये सारे कार्य होते हैं। पापाश्रव कौन से परिणाम से होता है? विशुद्धि से होता है कि संकलेश? संकलेश से। तो फिर ये जो निंदा की प्रवृत्ति है ये संकलेश से ही होती है, तो फिर पाप का आश्रय हो रहा है, तो फिर नीच गोत्र का आश्रय हो रहा है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ये सम्यक दर्शन है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जुगुप्सा, ये जो 8वें अध्याय में मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का वर्णन है, वहां पर जुगुप्सा प्रकृति के विषय में ये लिखा है। यद उदयाद आत्म दोष संवरणम पर दोष आविष्करणम सा जुगुप्सा। ये जुगुप्सा का उदय तो ऊपर तक के है। फिर कह रहे हैं कि जिसके उदय से अपने दोषों को छुपाया जाता है और दूसरों के दोषों को प्रकट किया जाता है, उसका नाम जुगुप्सा है। हमेशा व्यक्ति की एक माइक नैसर्गिक प्रवृत्ति रहती है अपने दोषों को गौण करना। मैंने किया ही नहीं, उस समय ऐसा करना मजबूरन हो गया। मेरी ऐसी भावना नहीं थी। इस तरीके से व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना करने की जगह समर्थन करता है और दूसरों के दोषों के प्रति तुरंत उसके दिमाग में नफरत के भाव पैदा होते। नहीं, पर फिर जैसे मान लो पहले और दूसरे गुणस्थान में तो जुगुप्सा का अर्थ सूत्रांग घटित हो रहा है, हाँ, लेकिन ऊपर में कैसे घटित करेंगे ये वाला अर्थ? यद उदयाद आत्म दोष संवरणम पर दोष आविष्करणम सा जुगुप्सा, ये जो पंक्ति थी, तो इसको चौथे गुणस्थान में कैसे घटित कर पाएंगे? इसका कारण एक हो सकता है। छद्मस्थ है अल्प ज्ञान के कारण व्यक्ति सामने वाले के गुणों को अच्छाई से और सच्चाई से नहीं पहचान पाता है, इसलिए झूठे भी दोष
दिमाग में आ सकते नहीं, थे। अभी यहां पर झूठे दोष की बात नहीं कर रहा, यहां उसकी पर नजर में तो वे सच्चे ही होंगे, नहीं, उसकी क्योंकि नजर में पता ही नहीं, नहीं। पर दोष आविष्करण लिखा है, यानी पर के जो दोष है उनको प्रकट करना है, वो अविद्यमान दोष नहीं कह रहे हैं, जो पर के विद्यमान दोष है उनको प्रकट करना जुगुप्सा है। यहाँ पर विद्यमान गुणों को आच्छादित करना, ये तो नीच गोत्र के आश्रम में था, और पर की निंदा करना भी नीच गोत्र के आश्रम में था, अपने दोषों को ढांकना नीच गोत्र का आश्रम था, नहीं, अपने गुणों को, अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना नीच गोत्र का आश्रम था, दूसरों के विद्यमान गुणों को आच्छादित करना नीच गोत्र का आश्रम, और आत्म प्रशंसा करना पर निंदा करना ही नीच गोत्र का आश्रम था। लेकिन ये एक अलग, उससे भिन्न स्थिति है, उसके विद्यमान दोष को वो आविष्कृत कर रहा है, तो वो पर निंदा में ही आएगा, नहीं आएगा, महाराज, या फिर अभिप्राय में कुछ अंतर पड़ेगा। अभिप्राय में अंतर इसलिए आएगा, कोई व्यक्ति कुछ बड़ा कदम उठाना चाहता है, अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं, उम्र छोटी है, तो उसे आगामी संकट का कुछ आभास नहीं होता। तो बड़े लोग ऐसी परिस्थिति में, बड़े हो, गुरु हो, मित्र हो, ऐसी स्थिति में तुम मत वहां जाओ, वो अच्छा नहीं है, उसने ऐसा किया है, उसके हाथों ऐसा गुनाह हुआ है, ऐसा कहना पड़ता है महाराज। ताकि इसके अंदर ग्लानि उत्पन्न हो, क्योंकि जुगुप्सा का फल बता रहा हाँ, ना। कि अब देखिए इसमें वह और उसमें अंतर उससे है। देखो, दूर रहे। नीच गोत्र अनंतानुबंधी से बन रही है, जुगुप्सा से नहीं, हाँ, लेकिन ये जुगुप्सा नौ कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय है, तो जुगुप्सा का कार्य ये बता रहे हैं कि अपने दोषों को छुपाना और दूसरे के दोषों को उजागर करना, ये जुगुप्सा के लक्षण में बताया उन्होंने, ये परिभाषा में बताया। ठीक, तो दूसरों के दोषों का आविष्करण इस उद्देश्य से करे तो जुगुप्सा मानी जाएगी। जुगुप्सा जैसा लगता है, थोड़ी उसकी झलक आए बिना कोई किसी के दोषों का उजागर नहीं करता। कोई भी व्यक्ति किसी के दोषों के प्रति दूसरे के सामने कहते समय मन में कुछ न कुछ उद्देश्य रखता है, झलक आए बिना सामने वाले को बचा नहीं सकता। एक छोटा सा उदाहरण, छोटा बच्चा है, गैस जल रहा है, उधर जाने की जिद कर रहा है, बड़े लोग क्या कहते, मर जाओ। हाँ हाँ यानी तुम्हारे लिए भीतिदायक है, हवा मत जाओ, कुछ गंदी वस्तु उठाने की कोशिश कर रहा है, शी मत ले, शी यानी बुरा है मराठी में, अच्छा नहीं, मत ले। उस वस्तु के तो प्रति, व्यक्ति के हाँ, प्रति, ये जो आपने परिस्थिति बताई, ये किसी अन्य सापेक्ष, किसी अन्य को सापेक्ष करके इसका स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन इसका उदय तो अपने अकेले में भी चालू रहता है ना, जुगुप्सा का। जैसे प्रवचन सार में बताया कि द्रव्य स्त्री में जो पांच परिस्थितियां बनती है, उसमें एक है ग्लानि, वो ग्लानि रहती है द्रव्य स्त्री में। वो गाथा आपको पता होगा, वो गाथा ये है, द्रव्य प्रवचन सार ले लियो। संसार की गाथा, वो मतलब जैसे नाचारी की टीका में है वो गाथा। ठीक है, लेते हैं यानी अच्छा, प्रवचन सार की टीका, जैसे नाचारी उनसे नाचे अमृत चंद्र जैसे उनसे
गाथा में पूरी याद है, लेकिन वो सिर्फ पहला शब्द हम चूक रहे हैं। सर गाथा 224 के बाद है। जैसे ना चाहिए बाकी के कषायों का उदय नौ कषायों को संबल देता रहता है, तो जितनी मात्रा में ऊपर के गुण स्थानों में बाकी के कषायों का उदय चल रहा है, उतनी मात्रा में जुगुप्सा आविष्कृत रहेगी। संति ध्रुवम पमदानं मोह पदोसा भयं दुगुन छाया चित्ते चित्ता माया तम्मा तासिम न निवारण। निर्वाण प्रतिबंधक हेतु क्या है स्त्री पर्याय में? निर्वाण को क्यों, कौन रोकता है स्त्री पर्याय में? तो उसके लिए कुंदकुंद आचार्य की गाथा ये है कि स्त्रियों के पास नियम से मोह, या मोह का अर्थ लेना भ्रम, गलत फहमी, गलत फहमी हो जाती है स्त्री पर्याय में। फिर प्रद्वेष, ईर्ष्या, फिर भय, और दुगुण छाया यानी ग्लानि, और पांचवा दोष है चित्त में विचित्र प्रकार की माया या विविध प्रकार की माया। ये स्त्री पर्याय में, द्रव्य से स्त्री पर्याय में ये पांच दोष नियम से होता है, होते हैं। तो नवीना बट्ट दिनारी एक वाती सचिव लोहे में नहीं संवर्णं च गतं तम्मा तासीम संवरण। तो इन पांच दोषों के बिना नारी इस पृथ्वी पर नहीं रह सकती। और शरीर भी ऐसा होता है कि जिसके लिए आवरण अपेक्षित होता है। ऐसे कई उन्होंने निर्वाण प्रतिबंधक दोषों को बताया है। अब इन गाथाओं को और टीकाओं को पढ़ करके कुछ लोगों का निर्णय है कि वो चाहे आर्यिका हो या कोई भी हो, वो न कभी द्रव्य से शुद्ध हो सकती है, न कभी भाव से शुद्ध हो सकती है। और उन्होंने ऐसे आलेख भी बनाए हैं। देखिए यह उत्सर्ग कथन कर दिया। बिल्कुल ठीक है, सामान्य कथन है। अपवाद रूप से अगर एक बात है कि अगर भावों से हमेशा अशुद्ध रहेंगे तो 16वें स्वर्ग उन भावों के साथ चले जाएंगे, कैसे जा सकते हैं? जो आचार्य द्रव्य स्त्री के प्रति इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे ही आचार्य प्रथमाणियों के ग्रंथों में तीर्थंकरों की माता, सम्यक दृष्टि स्त्रिया, आरिकाओं के बारे में आदरवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से करते हैं। और असंयत सम्यक दृष्टि जो सतियां हैं उनकी भी कितनी प्रशंसा की उन्होंने, आचार्यों ने। अगर वे प्रशंसनीय नहीं होती तो प्रथमानि योग में उनकी कथाएं आई कैसी, लिखने और वो भी आदर्श वाले है। कौन है, हम तुम नहीं पूर्वाचार्य। और प्रथमानि योग दृष्टिवाद अंग का एक विभाग है। बिल्कुल, पांच में से एक है।
श्रुत भक्ति की अंचलिका में भी जाता है ना, भाई पढ़माणि योग पूब गए चूलिया, जीव सुत थई तुई धम्म कायम। पूरा लोग सारे दुष्ट पदार्थ तो ये 25 प्रकृतियां सासाधन गुणस्थान तक के बंधती हैं, उसके ऊपर नहीं। और किससे बनती हैं? अनंत अनुबंधी से। क्योंकि अगर जो गुप्त शाखा उतने नहीं मानेंगे तो अरति नव कषाय भी ऊपर के गुण स्थानों में घटित नहीं। ठीक बात, मन में जुगुप्सा पैदा हुए बिना अब प्रीति नहीं होती। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अप्रीति भाव अरति भाव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, राजवार्तिक में उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, जुगुप्सा के बारे में देख लेते हैं एक बार। जो अपरिग्रह महाव्रत के बारे में या परिग्रह परिमाण व्रत की स्थिरता के लिए पांच भावनाएं बताई, मनोज्ञा मनोकेन्द्रिय विषयेषु। राग द्वेष वर्जनानि पंच, कषायों के संबल के बिना नौ कषाय कारीगर नहीं बनती अपना फल दिखलाने में। यहां पर जुगुप्सा के विषय में लिखा कुत्सा प्रकारो जुगुप्सा। कुत्सा का एक भेद जुगुप्सा है। कुत्सित भाव यद्य ऐसा है तो कुत्सा ग्रहण में वास्तु लघुत्वात्, फिर कुत्सा ही लिखना था, तीन अक्षर क्यों बनाया जुगुप्सा? कुत्सा में दो ही अक्षर होते थे ना? नहीं, अर्थ विशेष उपपत्ति है, इसमें एक विशेष अर्थ की संगति है। आत्मीय दोष संवरणम जुगुप्सा, अपने दोषों को छुपा लेना जुगुप्सा है। परकीय कुल शीलादि दोषाविष्करणाव क्षेपण भर्त्सन भर्त्सन प्रवणा कुत्सा, और दूसरों के कुल शील आदि, और दूसरों के कुल शील संबंधी और आदि शब्द से और भी जो दोष हैं उनका आविष्करण करना और उनका अवक्षेपण करना। अवक्षेपण का अर्थ क्या लेंगे? ठीक तिरस्कार है, भर्त्सना करना, भर्त्सन परपणा उत्साह, फटकार लगाना आदि, ये कुत्सा है। कई बार ऐसा भी होता है व्यक्ति अपने पास जो गुण होते हैं उनके साथ सामने वाले की तुलना करता है। अगर सामने वाले में बेगुण नहीं है या कम मात्रा में है तो तुरंत अपने मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। सोचने की बात है।
12 साल की उम्र में भंवरी बाई की शादी थी। शादी के बाद 2-3 माह में विधवा बन गई। सुपार्श्वती माता जी का जन्म फाल्गुन शुक्ला नवमी 1929। उस समय महिलाओं की क्या पढ़ाई, ब्रिटिशों का शासन, क्या पढ़ाई इस लड़की ने, स्कूल की सीढ़ी पर पैर भी नहीं रखा था। आगे चलकर इंदुमती माता जी के सानिध्य में धर्म, थोड़ा स्वाध्याय, व्रत, इसकी ओर झुकाव हो गया। अब आचार्य वीर सागर महाराज के पास आई। उससे पहले आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के संघ की संचालिका रही। जो व्यक्ति संघ संचालक रहता है, उसे चाहते हुए भी आगम ग्रंथों की गहराई में जाकर पढ़ने के लिए फुर्सत कितनी मिलती है? वो जमाना था, संघों में कोई चक्की लाइट की नहीं, हाथ से पीसना पड़ता। ऐसी स्थिति में इस महिला ने क्या पढ़ा होगा, फिर भी दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद जब पंडित सुमेरु चंद्र दिवाकर ने दर्शन किए, अब एक पंडित सिद्धांतवेत्ते, उन्होंने एक वाक्य बोला महाराज, आचार्य महाराज ने कैसी अनपढ़ गंवार महिला को अरिका दीक्षा दे रखी है, अरे सच बताती। जब आगे चलकर ब्रह्मचारी राजमल जी के पास जो पट्टाधीश आचार्य अजीत सागर बने, अच्छा जी। संस्कृत अति उत्कृष्ट, संघ में सबको पढ़ाते थे, तो उनके पास बहुत अध्ययन किया। पहले सुपार्श्वती की दीक्षा हुई है, राजमल जी की दीक्षा शिव सागर जी महाराज के हाथों हुई, तो उनके पास अध्ययन किया। अब ऐसा अध्ययन किया, मंच पर बैठते हुए अनुवाद का काम चालू, किस वक्ता ने क्या कहा अपने वक्तव्य में सुनकर याद रखना, उसने क्या गलत कहा, क्या सही कहा। अपने प्रवचन के समय सबकी कुंडली मांडना, सामने ग्रंथ नहीं रखते हुए पर्युषण के 10 दिन तक तत्वार्थ सूत्र की वाचना करना, श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेय कमलमार्तंड का अनुवाद तक किया, संस्कृत में काव्य रचे। जब यह विद्वत्ता देखी तो दिवाकर स्वयं बोल उठे, आज तक ऐसा विदुषी महिला रत्न कहाँ छुपा हुआ था। एक वाक्य वह, एक वाक्य यह, पहले बोल उठे, स्वयं की विद्वत्ता की तुलना में आरिका के ज्ञान की परीक्षा दी थी। आगे चलकर जब माता जी ने यह मुकाम प्राप्त किया, हासिल किया, तो
तो कौन है उनकी निंदा करने वाला जो अंतिम समय तक आधे घंटे पहले किसी प्रश्नोत्तर कर रही थी। ने जानबूझकर द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या गलत कही, परीक्षण करने हेतु माता जी कितनी होश में, और माता जी से पूछा, सही है ना माता जी? नहीं, गलत है। भले आवाज हल्की क्षीण निकली, मैं इतने अंतर पर थी, देख रही थी, सुन रही थी, और अंतिम समय में जब नवकार मंत्र चल रहे थे, पास में बैठने का सुवर्ण सौभाग्य प्राप्त। यानी जब आदमी का दिमाग आउट हो जाता है, उस समय इतना ज्ञान, इतनी स्मृति, तेज, क्या क्षयोक्षम होगा? तो निर्मल मति माता जी उनके साथ रही हैं अभी हाँ, वहां पर श्रवण श्रवण बिल्कुल में। बेहुला तो में है। उनने यही कहा था हमसे कि महाराज जी वो माता जी तो हमारी जो सुपार्श्वती माता जी थी वो साक्षात सरस्वती थी। हाँ महाराज, सब लोग इंदुमती माता जी दीक्षा में बढ़ी, उम्र में बढ़ी, रिश्ते में बढ़ी, रिश्तेदार लगती थी। जिस दिन माता जी का जन्मदिन बड़के बालाजी मनाया गया, 29 फरवरी 2012, फाल्गुन शुक्ला नवमी, प्रमिला यानी गौरवमती माता जी ने बताया एक संस्मरण। लोग इंदुमती माता जी से पूछते थे, सुपार्श्वती माता जी को स्वाध्याय करना तो आप उनके सामने चौरंग लगाती, शास्त्र रखती, उन्हें लघु शंका जाना तो उनका कमंडल उठाकर साथ ले जाती, उनकी सोते समय चटाई बिछा देती, वे आपसे दीक्षा में छोटी है। अगर वे आपका वैयावृत्त करे इस रूप में, वह उचित है, आप बड़ी होकर उनके लिए क्यों करती हो? तो इंदुमती माता जी ने जवाब क्या दिया? मैं सुपार्श्वती का वैयावृत्त नहीं करती हूँ, उनके भीतर जो सरस्वती है उसका वैयावृत्त करती क्या हूँ। बात, अद्भुत। वहां सीनियोरिटी, बिल्कुल, इसको बोलते हैं विशाल हृदय, इसको बोलते हैं कि मात्सर्य पर विजय। क्योंकि कोई ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या भाव जिसके अंदर होगा वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, और उस ईर्ष्या को जीतने वाले पुरुष भी दुर्लभ। अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। आदमी का दिमाग किसी के भी साथ तुलना के लिए रेडी एवर रे। ए लड़की विधवा बन गई तब इंदुमती माता जी दीक्षित है, और ये आगे चलकर 1957 में दीक्षित हुई है। तो भी इनके प्रति सिर्फ वात्सल्य नहीं, गुणग्राहकता विनय है, बिल्कुल और ज्ञान का विनय। बिल्कुल। कितना सुंदर इसलिए संस्मरण था। जुगुप्सा अनेक कारणों से मन में पैदा हो सके, उसे क्या आता है? ये तो निरक्षर है। मैं ज्ञानी,
साधु के लिए भी प्रज्ञा परिषह कहा, सत्कार पुरस्कार परिषह कहा, क्यों कहा? और उसके ऊपर विजय पाना आवश्यक क्यों कहा? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हाँ। जय नम जय तुशासन।